अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। मैं साजिद सर, शाइन मॉडल स्कूल प्रिंसिपल एंड करेस्पॉन्डेंट। ये जो कल वीडियो वायरल हुई थी कि बच्ची का जो कान में से खून जा रहा था, तो रात में तो मेरे को पता नहीं था, सुबह मेरे को मालूम हुआ वीडियो देखने के बाद। तो फ़ौरन मैं उनके घर गया बच्ची को लेके, फिर देखने के बाद पता चला कि भाई उनको कुछ ऐसा खून आ रहा कान में से। तो फ़ौरन मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने बोले कुछ कैमरे से भी कान में चेक करे, उसके बाद फिर सीटी स्कैन कराओ बोले। जब का जब लेके जाके सीटी स्कैन कराया, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स है पूरा। डॉक्टर देखे और बोले कि भाई सब नॉर्मल है, और ये जो खून जा रहा वगैरह है वो कुछ इन्फेक्शन की वजह से है। मार का जो असर था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं था कुछ भी, तो वो देखे और कोई ज़्यादा उनके इलाज की ज़रूरत तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स से भी बात हुई, और पहले उनसे बात नहीं हुई थी मेरी डायरेक्टली, इस वजह से ऐसा कुछ मसला हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पेरेंट्स से भी बात हो गई, सब ठीक है। तो अदबन आप लोगों से गुजारिश है कि टीचर से तो मैं बात कर चुका हूँ कि जो भी टीचर स्लैप करे थे, उनकी एक गलती थी, वो स्लैप करे थे, उनसे बात हो गई, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये चीज़ ना हो। और दूसरी चीज़, जो इलाज जो बच्चे का हो गया, और पुलिस में भी जो कंप्लेन गई थी वहाँ पर भी जाके बात हो गई, वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को यहीं पर रोक दें, और ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात भी करें कि भाई हम लोग जो सज़ा देने का मकसद, टीचर्स का ऐसा कोई भी नहीं होता कि भाई किसी को कुछ हर्ट हो, बस मकसद ये था कि थोड़ा सा बच्ची को डराया जाए। लेकिन टीचर की गलती थी वहाँ पर, वो चीज़ हम लोग देखे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो खून जाने का जो मसला है वो थोड़ा सा उस वजह से नहीं था, उनको कुछ कान में इन्फेक्शन है। ये बाकी पूरे स्कैंस हैं जो हम करा लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब क्लियर है, कोई उनको इलाज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह। फोन जो रिसीव करे थे वो स्कूल के स्टाफ में से थे, उनको उसकी कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने बोले नहीं भाई टीचर का कौन सा नाम पूछे, वो टीचर करे, बोल तो नहीं वो टीचर तो नहीं है, निकाल दिया हम उनको। अरे निकाल दिए तो कैसा होता, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने कुछ गुस्से से बात कर लिए, तो मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मैं नहीं था। कल शाम में कुछ बात हुई उनके, तो सुबह में जैसा ही मैं वीडियो देख के मेरे को मालूम हुआ, तो मैं फ़ौरन पेरेंट्स से बात करके फिर उनके घर पे भी गया, उनको लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह बताए कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई कोई उनको ज़्यादा इंटरनल इंजरीज हो, कुछ भी नहीं। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। भाई जो कल वीडियो वायरल हुई थी शाइन मॉडल की, मैं वो बच्ची का फादर बोल रहा हूँ। वो जैसा वहाँ टीचर जैसा वहाँ मानने को मारे, खैर उनसे गलती भी हो गई, बोल के माफ़ी चाहे उन्होंने। जो है मैं प्रिंसिपल साहब को नहीं करा था कॉल, दूसरे जने उठाए थे, उन्होंने भी कुछ बोले थे, मैं भी उसमें मैं मीडिया बुला के डाल दिया था वीडियो। और जैसे वहाँ प्रिंसिपल से जो सुबह में बात हुई, उनकी गाड़ी में तो हॉस्पिटल को लेके गए, ले आके ट्रीटमेंट कराए, सीटी स्कैन कराए, पूरे ट्रीटमेंट कराए, दवा ववा सब दिलाए, और कोई भी वैसा नहीं है, पूरा नॉर्मल है बोले डॉक्टर साहब भी। मैं धान्यों को डाल दिया था, खैर हो गया। और जो भी है यहाँ से स्कूलों में जो हो रहा है, वो जैसे वहाँ अपने अपने सर और प्रिंसिपल एक एहतियात कराइए कि मारो, ऐसा मारो कि आगे वालों को भी नुकसान ना हो, अपन को भी नुकसान ना हो, ऐसा एक एहतियात से डराइए आप लोग। कौन से स्कूल का वाकया है? शाइन मॉडल हाई स्कूल का वाकया है, मैं भी वहीं रहता हूँ। मेरे तीन चार बच्चे, तीन बच्चे पढ़ते मेरे। मेरे को प्रिंसिपल साहब से सुबह में इत्तला हुई, तो प्रिंसिपल साहब जटली घर पे आ गए, आके कार में लेके जाके हॉस्पिटल को इलाज कराज कराया, करा के मैं प्रिंसिपल साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे भी हमारे को कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारे को भी उनसे ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे 4-5 साल से स्कूल में पढ़ते हैं, आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। और रही बात वो जो बच्ची भी मार दी, वो बेचारी को खैर जान दो उसको भी। साजिद सर, आप मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप वो बच्ची को भी नौकरी पे रख लीजिए, बस इतना रख लीजिए। बच्ची को आइंदा से जरा ऐसा मत मारो बोली।